जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर चार्ज करने पर 130 किलोमीटर दौड़ेगा यह इलेक्ट्रिक स्कूटर। मात्र 30 मिनट में हो जाएगा चार्ज, जल्द होगा लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, बता दें स्पीड के मामले में यह इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी बेहतर है और मात्र 2.9 सेकंड में ही 0 से 50 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकता है और इसकी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, मुख्य दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी CF मोटो ने पिछले साल दिसंबर में ही अपने सब ब्रांड जियो को लॉन्च किया था, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटी दोपहिया वाहनों का निर्माता करती है, इसके बाद ही हाल ही में कंपनी भारतीय बाजार में भी अपनी बाइक 300NK के नए BS6 वर्जन लॉन्च किया था। अब कंपनी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। CF मोटो ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को हाल ही में पेश किया है। जिग व्हील की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ही जल्द ही बाजार में जीहो साइबर इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रोडक्शन मॉडल को लॉन्च करेगी। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को किस्का डिजाइन्स द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो जियो साइबर स्कूटर के डिजाइन, इस स्कूटर के कॉन्सेप्ट डिजाइन की बात करें तो दोस्तों, यह फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के वेस्ट है, लेकिन इसका प्रोडक्शन मॉडल इससे अलग होगा। कॉन्सेप्ट मॉडल में फ्रंट में LED हेडलाइट दिया गया है जो कि टू विंग लाइट पैनल के लैस होगा। इसका फ्रंट काफ़ी मस्कुलर और स्पोकी लुक वाला होगा। आपको बता दें दोस्तों, जियो साइबर ई स्कूटर के बारे में, इस स्कूटर में 4kWh का लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है। इसमें 10kV वाटर का कूल मोटर है जो कि 13.4 BHP की पावर और 213 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसकी स्पीड की बात करें, 2.9 सेकंड में इसकी स्पीड 0 से 50 किलोमीटर हो जाता है और इसका टॉप स्पीड जो है 110 किलोमीटर पर आवर है। आपको बता दें दोस्तों, सिंगल चार्ज करने के बाद 130 किलोमीटर ये चलेगा। इसमें से इको, स्ट्रीट और स्पोर्ट के 3 ड्राइविंग मोड मिलेंगे। कंपनी के अनुसार इस स्कूटर की बैटरी लाइफ 3 लाख किलोमीटर तक की है। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर तक चलाएंगे तभी बैटरी ये ख़त्म होगा। इसकी बैटरी को 30 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। इसकी बैटरी की इस तरह से तैयार किया गया है कि -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी बेहतर काम करती है। इससे ये तकरीबन हर देश के मौसम के अनुसार बेहतर परफॉर्मेंस देता है। कंपनी के अनुसार भारत में पेश किया जाने वाला यह मॉडल इससे थोड़ा अलग होगा और कंपनी जल्द ही इसके बारे में जानकारी साझा करेगी। फिलहाल इसका कोई प्राइस वगैरह रिवील नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है कि इसे जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। अगर भारत के लोग इस स्कूटी के बारे में आकर्षित हैं और उनको चाहिए, उनको लगता है कि यह स्कूटी यहाँ पर लॉन्च होना चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखिए इस स्कूटी के बारे में, और कितने लोग परचेज करने के लिए उत्साह हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि जल्द से जल्द कंपनी भारत में लॉन्च कर पाए इस तरह की स्कूटी। तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करना चाहेंगे। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी, इस स्कूटी से रिलेटेड और भी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।